लेकिन वीडियो वायरल कहां से होना शुरू हुई, यही वीडियो से 4,60,000 व्यूज गए, उसके बाद 11,000, 5,000, 4,500 इस तरीके से लगातार व्यूज जाना शुरू हो गए। अब यहाँ पे चलिए मैं बताता हूँ ये वीडियो कितना आसान है बनाना और कैसे आप भी अपने मोबाइल से 5 मिनट से भी कम समय में इस वीडियो को बना के और आप भी अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। कोई YouTube पे वीडियो डाल डाल के परेशान हो गया है फिर भी उसके व्यूज नहीं जा रहे हैं, और कोई है कि बस फोटो अपलोड करके YouTube पे लाखों में व्यूज छाप रहा है, लाखों में। यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस वीडियो को 3 वीक पहले अपलोड किया गया है, ठीक है, और इस वीडियो पे 4,60,000 व्यूज हैं। इस वीडियो को मैं ओपन करके दिखाता हूँ, एक बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आपने बहुत वीडियोस अपलोड किए होंगे लेकिन यहाँ पे इन मैडम ने सिर्फ फोटो अपलोड करके 4 से 5 लाख व्यूज कैसे लाए हैं और कैसे इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है, ध्यान से यहाँ पे देखिए। शुरू से ये वीडियो दिखा रहा हूँ, देखिए ये इनकी पहले की फोटो है जहाँ पे इन्होंने लिखा है मेरा संघर्ष शुरू कब हुआ, एग्जाम टाइम में शादी करा दी गई, ठीक है, उसके बाद ससुराल आई, ससुराल की फोटो इन्होंने डाली है, उसके बाद पढ़ाई बहुत कम हो गया, ठीक है, ससुराल जाने के बाद इनकी पढ़ाई कम हो गई, उसके बाद इन्होंने फोटो लगाया, ईयर गैप हो गया 2020 में, और इस तरीके से इन्होंने फोटो लगा लगा के 1 मिनट 48 सेकंड की वीडियो बनाई, और आप देख सकते हैं इस वीडियो पे 4,60,000 व्यूज गए। अब आप दोस्तों सोचिए कि बहुत लोग रो रहे हैं ये कह के कि हम काफी सारे वीडियोस अपलोड कर चुके हैं फिर भी हमारे वीडियो पे व्यूज नहीं जा रहा है, तो आखिर ये वीडियो कैसे वायरल हो गई, जबकि इस वीडियो में कुछ भी नहीं किया गया है, बस फोटो लगाई गई है और उस फोटो पे बस लिखा गया है, और ये वीडियो पे 4-5 लाख व्यूज चले गए, और इसी वीडियो से इनका चैनल ग्रो हुआ है। इनके चैनल पे 1,240 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 81 वीडियो इन्होंने अपलोड किया, देख सकते हैं, लेकिन अभी की वीडियोस अगर आप देखें तो 1,000 व्यूज जा रहे हैं जो कि पहले वीडियोस पे नहीं जाते थे। लेकिन वीडियो वायरल कहां से होना शुरू हुई, यही वीडियो से 4,60,000 व्यूज गए, उसके बाद 11,000, 5,000, 4,500 इस तरीके से लगातार व्यूज जाना शुरू हो गए। अब दोस्तों आप सोच सकते हैं कि फोटोज का इस्तेमाल करके भी YouTube पे अपना वीडियो वायरल किया जा सकता है, और ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जिसमें इन्होंने अपने इमोशंस को शेयर किया है। इन्होंने बताया है कि मैं जब पढ़ाई कर रही थी तो मेरी शादी हो गई, शादी के बाद पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसके बाद क्या क्या चीज हुई, इन्होंने अपनी एक स्टोरी है जो अपने ऑडियंस के साथ शेयर की जिससे कि काफी लोगों ने कनेक्ट किया। मैं हमेशा से कहता हूं कि आप जब व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप इमोशनली लोगों को जोड़ना शुरू कीजिए, मतलब कि आप अपने बारे में बताइए। बहुत लोग छुपाते हैं कि नहीं हम ये चीज व्लॉगिंग में नहीं दिखाएंगे, वो चीज नहीं दिखाएंगे, ऐसा नहीं दिखाएंगे, वैसा नहीं दिखाएंगे, और इसीलिए उनकी वीडियो नहीं चलती। अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से अगर अपने ऑडियंस के साथ अपनी बातें शेयर करें तो वो जरूर देखा जाएगा, जैसे कि इन्होंने इमोशनली अपनी फोटो शेयर की है। तो इस तरीके का वीडियो आप कैसे बना सकते हैं और कैसे आपकी भी वीडियो वायरल हो सकती है, आज के इस वीडियो में यही बताने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल यूट्यूब वीडियोस देखने के लिए। अब यहाँ पे चलिए मैं बताता हूँ ये वीडियो कितना आसान है बनाना और कैसे आप भी अपने मोबाइल से 5 मिनट से भी कम समय में इस वीडियो को बना के और आप भी अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। सबसे पहले ये वीडियो बनाने से पहले आपकी कोई स्टोरी होनी चाहिए अपने लाइफ से रिलेटेड या फिर पहले से रिलेटेड जो आप अपने ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहते हैं, सबसे पहले ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको क्या करना है कि आपको एक एप्लीकेशन है VN, ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे, गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी। बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूं, 2 मिनट के अंदर ही आप इस वीडियो को बना के और अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं। करना कैसे, यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको आ जाना है न्यू प्रोजेक्ट में। जैसे ही न्यू प्रोजेक्ट में आएंगे यहाँ पे आपको 2 चीजें एडिट करने का ऑप्शन मिलता है इस एप्लीकेशन में, वीडियोज और फोटोज। तो आपको क्या करना है कि फोटोज के सेक्शन में आ जाना है। अब आपकी जितनी भी फोटोज हैं, पुरानी नई जो भी फोटोज होंगी उसे आपने गैलरी में आपको पहले से रखना है और वहां से उन फोटो को इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अब ये देखिए, ये फोटोज मैंने सिलेक्ट कर ली, जो भी आपकी फोटोज हो सभी यहाँ पे आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए मेरे रिसेंट अभी बनारसी में मीटअप था जहां पे मेरे सब्सक्राइबर आए हुए थे और देख सकते हैं कि ये जो है मैंने फोटो सारा कुछ एड कर दिया।
अब इन फोटो में आपको ट्रांजिशन कैसे लगाना है, मतलब कि जैसे होता है ना कि पहली वीडियो पहली फोटो खुली, उसके बाद दूसरी फोटो दूसरे तरीके से, तीसरी फोटो तीसरी तरीके से खुले, तो थोड़ा वीडियो देखने में भी अच्छा लगता है। मतलब कि हम यहाँ पे फोटोज से वीडियो बनाना सिखा रहे हैं कि फोटोज से वीडियो बना के आप कैसे अपने वीडियो को वायरल कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको प्लस का एक आइकन मिलता है, प्लस पे क्लिक करना है। अब आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे ये देखिए इस तरीके से दूसरी फोटो खुल के आएगी, तीसरी फोटो खुल के आएगी। तो मुझे मान लीजिए ये वाला अच्छा लग रहा है, तो मैंने जो है इस पे ये टिक नीचे जो है इस तरीके से साइन बनाया हुआ है, इस पे मैंने ओके कर दिया। अब क्या होगा, ये पहली फोटो से दूसरी फोटो जब खुलेगी तो इस तरीके का इफेक्ट आपको देखने का मिलेगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए मैंने वीडियो को इस तरीके से प्ले किया, पहली फोटो से दूसरी फोटो इस तरीके से खुल रही है। अब मैं चाहता हूं कि तीसरी फोटो और भी अलग तरीके से खुले, तो मैं फिर से इस प्लस के आइकन पे क्लिक करूंगा और फिर मैं इसमें से अलग अलग सिलेक्ट कर लूंगा। देखिए तीसरी फोटो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से खुले और मैंने यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया। अब जब हमारी पहली फोटो से दूसरी फोटो खुलेगी तो अलग तरीके से खुलेगी, तीसरी फोटो जब खुलेगी तो अलग तरीके से खुलेगी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खुलेगी। देखिए यहाँ पे मैंने पहली फोटो सिलेक्ट किया, दूसरी फोटो इस तरीके से खुली, तीसरी फोटो इस तरीके से खुली। अब मैं चाहता हूँ कि चौथी फोटो मेरी और भी अलग तरीके से खुले, तो यहाँ पे फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करना और फिर से यहाँ पे अलग अलग इस तरीके से ट्रांजिशन सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से कर लिया। अब यहाँ पे नीचे में आपको ड्यूरेशन भी मिलता है कि एक फोटो से दूसरे फोटो को खुलने में यहाँ पे कितने देर का समय होना चाहिए, तो ये जो है समय पहले से सिलेक्टेड रहता है, तो इसी को रहने दिया जाए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे साइन पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये आपकी पहली फोटो से दूसरी फोटो जब खुल रही है तो अलग तरीके से, तीसरी फोटो जब खुल रही है तो अलग तरीके से, चौथी फोटो जब खुल रही है तो यहाँ पे अलग तरीके से। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप अपने फोटोज को लगा सकते हैं, जैसे कि आपने कोई पुरानी फोटो, उसके बाद की कोई फोटो, उसके बाद की कोई फोटो, तो आप लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सेकेंडली कि आपको यहाँ पे म्यूजिक कहाँ से लेना है। बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि म्यूजिक इधर उधर से उठा लेते हैं, जिससे कि उनके चैनल पे कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ जाता है। तो हमेशा से आपको म्यूजिक कहाँ से लेना ध्यान से आप देखिएगा। अगर आप इस एप्लीकेशन से म्यूजिक लेते हैं तो आपको कॉपीराइट नहीं आएगा, या फिर आप यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी से लेते हैं तो वहां से भी आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। ऑडियो लाइब्रेरी को कैसे ओपन करना है, यहां पे आपको गूगल क्रोम को ओपन करना है और यहां पे आपको लिखना है यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी, यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी। इधर उधर से फोटो, इधर उधर से म्यूजिक नहीं लेना, अगर आप इधर उधर से लेते हैं तो आपको कॉपीराइट आ जाएगा। यहाँ पे यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट करने को मिलेगा गूगल क्रोम, और यहाँ पे आपकी यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी आ जाएगी, जहाँ पे आपको बहुत सारे म्यूजिक मिल जाते हैं और उन म्यूजिक को आप जो है अपने वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने YouTube ऑडियो लाइब्रेरी पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे आपको म्यूजिक यहाँ पे मिल जाते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, जो भी म्यूजिक जैसा भी आपको चाहिए वो म्यूजिक आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें म्यूजिक ऑलरेडी मिल जाता है VN ऐप में, तो यहाँ से हम म्यूजिक को ले सकते हैं। कैसे लेना है, देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया, अब हम चाहते हैं म्यूजिक लेना, तो इस म्यूजिक वाले प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें म्यूजिक को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही हम म्यूजिक को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे व्लॉग का म्यूजिक मिल जाता है, पॉप, डायनेमिक, जो भी आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इस म्यूजिक को प्ले कर देता हूँ, देखिए देखिए ये म्यूजिक मुझे अच्छी लग रही है, सिंपल म्यूजिक है, साधारण म्यूजिक है, तो इसको मैं यहाँ पे चूज पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही चूज करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ये म्यूजिक देखिए हमारे वीडियो में आ गए। अब जरा सा इस वीडियो को देखिए किस तरीके से दिख रहा है, ध्यान से देखिए, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप चाहे तो अपनी और कोई भी म्यूजिक इस्तेमाल कर सकते हैं, बस कॉपीराइटेड नहीं होना चाहिए। अब तीसरी चीज क्या आती है, हमने फोटोज को इस्तेमाल करके वीडियो बना दिया, हमने अच्छा ट्रांजिशन लगा दिया जिससे कि हमारी फोटो अलग अलग तरीके से आ रही हैं, हमने म्यूजिक लगा दिया, अब तीसरी चीज जो है टेक्स्ट, जो आपको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से टेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको काफी सारे टेक्स्ट मिल जाते हैं, आप किस तरीके से लिखना चाहते हैं वो आपके ऊपर है, जिस भी तरीके से लिखना चाहते हैं वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए हम ये वाला सिलेक्ट कर लेते हैं, अब ये वाला जब हमने सिलेक्ट कर दिया तो इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे नीचे में लिखना चाहते हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे मैं नीचे में क्या लिखना चाहता हूँ, जो भी लिखना चाहूंगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। अब चाहे तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, चाहे तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। हिंदी में अगर लिखना चाहता है तो हिंदी आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको लिखना है मेरा नाम नित्या है। ठीक है, मेरा नाम नित्या, मेरा नाम नित्या है, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे कलर पे क्लिक करेंगे, कौन सा कलर रखना चाहते हैं भाई, ब्लैक, व्हाइट, रेड, जो भी रखना चाहते हैं इस तरीके से कर सकते हैं। ये वाला अच्छा लग रहा है तो ये वाला हमने कर दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए, ये वीडियो को चलाऊंगा तो इस तरीके से आएगा, मेरा नाम नित्या है, देख सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद दूसरा टेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड करूँ, यहाँ पे लिखूँ कि मेरा घर कहाँ पर है, मैं लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि इसे यहाँ पे इस तरीके से लगा देना है, इस तरीके से यहाँ पे लगा देना है, और इस तरीके से आपको ये यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। ये लगा दिया कि पहले के बाद यहाँ पे दूसरा ये खुल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ लिखना कि मेरा नाम नित्या है, मैंने लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ मेरा गांव बिहार में है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेरा गांव बिहार में है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। अब इस तरीके से मैंने लिखा तो इसे ओके पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसे नीचे करना चाहता हूँ, इस तरीके से नीचे लगा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसका कलर भी चेंज कर दूं, ठीक है। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, कलर में आएंगे, इस तरीके से मान लो कि मैं कलर लगाना चाहता हूँ ये वाला, ठीक है, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए वीडियो कैसे चलेगी, ये देखिए मेरा नाम नित्या है, उसके बाद आएगा मेरा गांव बिहार में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, म्यूजिक लगा सकते हैं, और अपने वीडियो को इस तरीके से आप फोटो से वीडियो बना के लाखों में व्यू छाप सकते हैं, जैसे कि इन मैडम ने छापा है, और इनके वीडियो पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे व्यूज जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे लगा कि यार लोग इतने सारे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, वीडियो वायरल नहीं हो रही है, लेकिन फोटो से इस तरीके से वीडियो वायरल हो जा रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि फोटो से वीडियो बनाएंगे तो वायरल होगा कि नहीं, वायरल जरूर होगा, लेकिन आपके कहानी में कुछ बात होना चाहिए। जैसे इन्होंने लिखा है मेरे संघर्ष का सफर, मतलब मैंने कैसे कैसे संघर्ष किया, तो आपने भी अपने जीवन में जिस तरीके से संघर्ष किया है उसी तरीके से आपको फोटो से वीडियो बनाना है और अपने संघर्ष के बारे में बताना है, तब देखिएगा आपके वीडियो पे 100% व्यूज आएंगे। जाहिर सी बात है, हम अपने लाइफ में कुछ ना कुछ संघर्ष करते हैं, दुख झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं, उसको आपको ऑडियंस के साथ शेयर करना है इस तरीके से फोटो से वीडियो बना के। आप दोस्तों जरूर ट्राई कीजिए, आई होप आपकी वीडियो 100% वायरल होगी, क्योंकि आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, ऐसे ही यूट्यूब रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से